বুঝতে থাকেন হিন্দি মে। আচ্ছা তো লক্ষ্মী দেবী বহুত চাঞ্চলা হতা হয় তো ইসকে লিয়ে হমেশা এই লক্ষ্মী দেবী নবীন নবীন খুঁজতে হয় ক্যোঁকি ভগবান কা সেবা কে লিয়ে কই নবীন উদ্ভাবন আনা চাইয়ে হর রোজ নিত্য নূতন নয়া তো ইসলিয়ে লক্ষ্মী দেবী হমেশা এসা নবীন নবীন ভাবনা কা উদ্ভাবন করতে তো হামলোক ভি ভগবান কা সেবা কে লিয়ে নয়া নয়া উদ্ভাবনা করেঙ্গে আর ভগবান কা সেবা মে তব রুচি আয়েঙ্গে তবে জাগতিক যো বিষয় মে হামারা রুচি হ্যায় ও হাম ক্যা ত্যাগ কর সকতে এই আজ কা প্রভুপাদ কা মন্তব্য হয় হরে কৃষ্ণ নাম প্রভুজি হমকো আদেশ দিয়া হ্যায় কুছ ভগবান কা তো ভগবানের ভক্তের কিভাবে আমি ভাগবত দিকে ভগবান বলতে হ্যাঁ মানে হিন্দি বল রা বহুত লোক ইউটিউব পে শুনতা হ্যায় তো ইসলিয়ে ঠিক আছে না হ্যাঁ তো বহুত বার শ্রী সনাতন গোস্বামী কো চেতন বাবু বতা রে হ্যাঁ কেসে 64 ভক্তো কে অঙ্গ ভক্তি কে অঙ্গ মে এক হ্যায় ভাগবত শ্রবণ ভক্তো কে মুখ সে শুননা সাধু সঙ্গ করনা और विशेष करके ऐसे भक्तों से जिन्होंने क्या किया है भक्ति को पालन करें क्योंकि जो पालन करते हैं वही बोलेंगे तो उसका प्रभाव हरिदास ठाकुर बहुत अच्छे से नाम करते तो जिसको भी बोलते तो भक्त बन जाता था समझ रहे हैं तो इसीलिए प्रभु जी बहुत सुंदर भक्ति करते हैं उनके मुख से हम लोग सुनेंगे हरि नाम की कुछ 5-10 मिनट महिमा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी का हम आदेश पालन करने के लिए तैयार है तो हम लोग जब मायापुर में रहते हैं तो मायापुर में सारा विश्व भर का साधु संत आता है तो एक बार सचिनंदन स्वामी महाराज उनसे हम पूछे थे कि भगवान का नाम कैसे करना चाहिए उन्होंने बताया था कि हमारा जो सांस गिरता है तो उसी को अंतिम सांस मानना चाहिए कि अगले सांस मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं इतना सीरियस हिसाब से ये भगवान का नाम करना चाहिए तो हम क्या करते हैं हमेशा ही कि बाकी सारे काम कर लेते हैं लेकिन भगवान का नाम को बाद में करने के लिए सोचता है ये है और मायापुर में जब मैं पहले दिन आया था तो एक भक्त तो कृष्ण बलराम प्रभु अभी मायापुर में नहीं रहते हैं तो बाहर कोई देश में रहता है तो उन्होंने बोला था कि भगवान का नाम करते हो किसी का साथ बात नहीं करना चाहिए जो हरिनाम चिंतामणि में हम देखते हैं इशारा कर सकता है लेकिन मुँह से बात नहीं बोलना जब बात बोलेंगे तो भगवान का नाम में छेद आता है एक पूरा माला करने के लिए 107 राउंड गुटी जप किया है लेकिन एक गुटी को बात रख दिया बात बोल दिया तो वो नाम संख्या में नहीं आता है हम 16 माला में आए उसको गिनती करेंगे तो नहीं गिनती में आएंगे हम लोग ऐसा कितना बात कर लेते हैं और फिर उसको संख्या लगा लेते ऐसा नहीं है नाम जैसा सीरियसली करेंगे ऐसा नाम का प्रभाव अपने आप से दिखाएंगे तो कृष्ण नामेर महिमा जो कीर्तन है उसको आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कृष्ण नाम धरे कत बल कृष्ण नाम का कितना शक्ति है वो उसमें वर्णना किया गया है विषय वासना नले मोर चित्त सदा जले बर नीते ना पारी ये सकल कृष्ण नाम चिंतामणि अखिल रसेर खनि नित्य मुक्त पूर्ण ज्ञानमय हमारा ज्ञान लाभ कर सकता है लेकिन भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न ये भगवान नाम का जो नाम हम करेंगे तब उसको जय नाम सही कृष्ण भजो निष्ठा करी नामेर शहीद आछेन आपने श्रीहरि ये भावना रखकर जब जप करेंगे तो जल्दी से जल्दी हम भगवान का नाम का जो प्रभाव है उसको मालूम कर सकते हैं कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न ये हम कभी सोचता नहीं इसलिए जब नाम जप करते करते हमारा कोई
सीरियसनेस नहीं रहता। हम लोग हमेशा क्या देखते हैं जब ट्रेन में जाता है कि लोकल ट्रेन को रुक देते हैं और एक्सप्रेस को छोड़ देते हैं, तो हम लोग कैसे कर रहा है जागतिक बातों को, कोई भी काम को उसको करते हैं, भगवान को नाम को रख देते हैं। ठीक है, अभी जब बात दे दो, बाद में करेंगे, पहले भगवान का नाम कर लेना चाहिए, बाद में बाकी काम हो जाएगा, तो होते ही रहेगा। जब हम माला में माला लेके बैठते हैं तो तब तुरंत नींद आ जाता है, क्यों? भगवान का नाम के प्रति हमारा आदर नहीं है। जब आदर उसका पर प्रीति रहेगा तो कभी, जैसे खाने के ऊपर हम प्रीति है प्रसाद के ऊपर, तो खाते टाइम कभी कोई नींद नहीं आता है कि ऐसा दिखता है छोटा बच्चा है ना, जब उसको बचपन में खाना खिलाता है वो नींद से कभी कभी खाना मुँह से गिर जाता है, ऐसा नहीं हम लोग का कभी होता है। तो इसलिए भगवान का नाम जितना हम सीरियसली करेंगे उतना जल्दी से जल्दी भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सब मिल के जप करेंगे।